हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। जैसे कि यहाँ पे वर्ड में अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, जो लास्ट लेक्चर में हाउ टू क्रिएट अ पैराग्राफ वो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे वर्ड के अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कि हाउ टू बोल्ड दिस पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ एंड इसे बोल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। अभी यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ और उसे इटैलिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। यहाँ पे इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ और इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एवरीथिंग इज अ सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक से, एक बटन से अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट यही चीज हम HTML में कैसे करेंगे? HTML में करने के लिए चलिए जाते हैं ब्राउजर पे। इट्स लेक्चर नंबर 4। ब्राउजर का जो नोटपैड है वो हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ नोटपैड। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया था, हम उसके ऊपर ही ये लेक्चर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज बोल्ड। अभी यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ के अंदर हमें कोई तो चीज़ है जो हमें बोल्ड में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसे हमें बोल्ड में करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, HTML कोडिंग में किस तरह से करेंगे? सी, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो वो यहाँ पे है ये चीज, ये लाइन, ये फ्रेज यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इसे बोल्ड में करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे बी, ओके, स्मॉल बी, सिंपल बी, और ये टैग के अंदर आएगा ओपन, ओके, दिस थिंग इज एन ओपन। अब हम इसको क्लोज नहीं कर रहे, लेट्स सी द आउटपुट, लेट्स सी इसका आउटपुट किस तरह से आता है। सेव, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। सी, कंसिडर दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बोल्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया। दिस मिस्टेक वॉज डन, यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया है, ताकि पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ओपन हो रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये बोल्ड को यहाँ पे ओपन किया है, तो उसे यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करना है? बैक स्लैश, फिर से हम इसे सेव करेंगे फाइल को। जो भी चेंजेस करें तो उसे सेव करते रहिए। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश। सी, आ रहा है समझ में? कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये लाइन हमें बोल्ड में मिल गई। अभी सेकेंड है कि हमें इटैलिक में चाहिए। इटैलिक जो टेढ़ा वाला जो रहता है, यहाँ पे दिस ये इटैलिक में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन बाय लार्ज ऑडियंस। अभी ये जो लाइन है इसे हमें इटैलिक में करना है, तो इटैलिक में करने के लिए क्या करेंगे, हम नोटपैड में जाएंगे, यहाँ पे हम आई टाइप करेंगे, आई वाला टैग यूज करेंगे, आई रिटर्न फॉर लार्ज ऑडियंस, यहाँ पे आके हम इसे क्लोज कर देंगे, ओके, फिर से सेव करेंगे फाइल, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाएंगे, रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी ये जो आर्टिकल, ये जो लाइन जो है ये इटैलिक वाली हो गई। यहाँ पे बोल्ड थी, यहाँ पे इटैलिक चाहिए था, इटैलिक हो गई। अभी हमें चाहिए अंडरलाइन, तो अंडरलाइन हम करेंगे इस लाइन को, ओके, फिर से यहाँ पे जाएंगे नोटपैड के ऊपर, यहाँ पे हम टाइप करेंगे यू, यू फॉर अंडरलाइन,
मीन्स यू यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए, ओके, एंड इसे यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, सेव सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश, सी सी इसका आउटपुट, इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है, राइट। सो होप आपको बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन वाला ये चैप्टर नंबर 4 समझ में आया होगा। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लर्निंग और बढ़ती जाएगी। सो मैंने जिस तरह से आपको समझाया है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये तीन चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मोनोस्पेस, लार्ज एंड स्मॉल टैग, ओके। सो टेक केयर, लव यू ऑल, शेयर कीजिए मेरा वीडियो टू योर फ्रेंड्स नियर एंड डियर वन, एंड अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।